पूजा हेगड़े आखिर क्यों नहीं करती हैं हिंदी फिल्में, और क्यों वो बार बार साउथ फिल्में और साउथ साउथ की ही फिल्मों को सिलेक्ट करती हैं और साउथ की ही फिल्में करती हैं, इस पर उन्होंने खुद बयान दिया है। और आपको बता दूं कि पूजा जो है वो अभी सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में हम सबको लीड रोल में दिखाई देने वाली हैं, सलमान खान के अपोजिट दिखाई देने वाली हैं। और आप सब जानते हैं कि जिस तरीके का कैरेक्टर उनका है वो बहुत लोगों को पसंद आने वाला है। और अभी इस समय उनका ऐसा बयान आना, जिस तरीके से उन्होंने बात बोली है, कहीं ना कहीं बहुत स्मार्ट आंसर किया गया है जिसके लिए उनकी तारीफ भी होगी और उनकी तारीफ हो भी रही है। लेकिन फ़िलहाल उनका जो जवाब है वो शायद तक बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि वो जो बात कह रही हैं वो बहुत सारे साउथ एक्टर्स और स्टार्स बहुत बार कह भी चुके हैं। तो आखिर क्या बोला है पूजा ने इस बार, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर और पूरी अपडेट। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। अगर बात की जाए पूजा हेगड़े की, तो आप सब जानते हो कि कितनी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, इनको किसी बोलते हैं ना इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। और अभी हाल ही में सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं किसी का भाई किसी की जान में। और किसी का भाई किसी की जान में आप सब जानते हो कि भाई जिस तरीके का इनका रोल है, जिस तरीके का कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं लोग उस कैरेक्टर से उस रोल से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करने वाले हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। और सलमान खान के साथ शायद तक पहली बार काम कर रही हैं, फ्रेश पैर है, उस वजह से भी लोगों को और पसंद आ रहा है, पूजा हेगड़े को मौका भी मिला है। और बीच में तो रूमर्स ये भी उठे थे कि पूजा जो है वो शायद सलमान खान को डेट कर रही हैं, लेकिन इन सारे रूमर्स को सलमान खान ने भी और पूजा हेगड़े ने भी डिनाई किया और बहुत क्लियर तरीके से डिनाई किया। लेकिन फिलहाल आपको बताऊँ तो पूजा से एक सवाल पूछा गया कि पूजा आप जो हैं हिंदी मूवीज़ क्यों नहीं करती, क्योंकि हमको हमने आपको हिंदी मूवीज़ में बहुत कम देखा है, जैसे आप मोहनजोदड़ो आपने की, अब ये, और बीच में आपको ऑफर्स आए थे लेकिन आपने कुछ किया नहीं मूवीज़। इस पर पूजा बोलती हैं मुझे बहुत सारे ऑफर्स हैं लेकिन कहीं ना कहीं मैं जब बॉलीवुड के लिए डिसीजन लेती हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बॉलीवुड को देखते हुए बड़ी हुई हूँ। तो मैं बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं उनको जब मेरे पास ऑफर्स आते हैं तो मैं उस मूवी को मतलब बहुत सोच समझ के करने की कोशिश करती हूँ, वरना साउथ में मतलब ऐसा होता है कि मेरे को अगर अच्छे रोल मिल रहे हैं, कुछ ऐसे रोल जो मुझे पसंद आ रहे हैं, जो थोड़े मेरे लिए चैलेंजिंग है, तो मैं उस तरीके की रोल करती हूँ जो मुझे साउथ में मिलते हैं, मैं करती रहती हूँ ऐसे रोल्स को। और साउथ में लोग अब मेरी पिक्चरें देखना पसंद कर रहे हैं, चाहे वो मेरा डब्ड मतलब डब मूवी हो या फिर साउथ लैंग्वेज में हो, वहाँ पे भी लोग मेरे को प्यार दे रहे हैं उतना ही। अब मतलब अब पूजा कह रही है कि अब शायद तक हो सकता है कि मैं थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ भी ध्यान दूँ और बॉलीवुड में भी मूवीज़ करूँ, क्योंकि मुझे ऑफर्स आते रहते हैं, बट इट इज़ आई वो रिजेक्ट। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि बॉलीवुड में भी ज़्यादा मूवीज़ करूँ। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।